हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज 13 मई 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर, जिसके अंदर मेरा लगातार खरीदारी करने का राय था। इवन आज की डेट पे भी मेरा राय एकदम सेम है। आज की डेट पे मार्केट के अंदर बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिला, जहां पे विप्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट 2% की रिकवरी हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ विप्रो का जो कंपेटिटर है यानी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, इन सारे शेयर भी आज ऑलमोस्ट 3-4%, इवन इन्फोसिस तो ऑलमोस्ट 4.5% के ऊपर भी हमें तेजी देखने को मिला। तो विप्रो का जो आज क्लोजिंग प्राइस था ऑलमोस्ट 476.20। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे जो कि आज ही के दिन पे आया है, और इन फ्यूचर में अगर हम बात करें विप्रो को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकता है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं और एंड तक पूरा वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों आ रहा है सीधा सऊदी अरब से, और ये जो वेबसाइट है ये अरब का ही एक वेबसाइट है, नाम है अरब न्यूज़। तो देखिए, इंडियन आईटी फर्म विप्रो कमिटेड टू बोलस्टरिंग सऊदी ऑपरेशन। तो क्या कहना चाहता है, किस ऑपरेशन को लेकर, थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए, इंडियन आईटी फर्म विप्रो लिमिटेड हैज़ हायर्ड अबाउट 500 सऊदी प्रोफेशनल विद एम्बिशन प्लान टू चेंज द टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ द किंगडम विद इन फ्रेमवर्क द एम्बिशन सऊदी विजन 2030। तो बेसिकली दोस्तों, हम सभी ने जानते हैं कि विप्रो हो सकता है इंडियन कंपनी है, बट विप्रो का जो ब्रांचेस है वो पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूके हो, चाहे वो यूएस के अंदर हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि विप्रो के अंदर, मतलब यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर जो विप्रो का ब्रांच है उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है। विप्रो विच ऑपरेट्स एज विप्रो आरबीआई लिमिटेड। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या बोल सकते हो एक बहुत बड़ा गोल, तो विप्रो का ब्रांच है उसका नाम है विप्रो अरेबिया लिमिटेड, यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो देखिए, इन द किंगडम हैज़ अंडरलाइंड इट्स टॉप प्रायोरिटी फॉर द टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट टू अलाइन विथ विजन 2030। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे विप्रो की जो गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों यहाँ पे एक विजन या गोल रखा गया विजन 2030 नाम करके, उसके अंदर दोस्तों विप्रो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, साथ साथ इनोवेशन, टैलेंट डेवलपमेंट एंड उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। साथ साथ जो वहाँ का जो लोकल जो लोग हैं उसको यहाँ पे हायर भी कर रहा है, और लगातार देखिए अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। और आखिरकार इसका फ़ायदा किसको होगा, डेफिनेटली दोस्तों उसका जो पेरेंट कंपनी है, मतलब वहाँ पे जो विप्रो का नाम है विप्रो अरेबिया लिमिटेड, उसका पेरेंट कंपनी कौन है, इंडिया का विप्रो लिमिटेड। फायदा दोस्तों यहाँ पे कंपनी को ही होगा। तो डेफिनेटली देखिए, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता कर रखना चाहता हूँ, ये जो सारे आपको न्यूज़ मिल रहा है, ये सारे न्यूज़ का दोस्तों इम्पैक्ट आपको इमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब टेम्पोररी नहीं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा, आगे आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर पे आपको देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट। उसके साथ साथ दोस्तों, आज की डेट पे अगर हम बात करें, काफ़ी शानदार हमें डिलीवरी भी देखने को मिला। जैसे कि देखिए, आज मार्केट तो क्लोज हो गया, उसके बावजूद भी देखिए बाइंग साइड में ऑलरेडी अभी से ही ए मॉडल लग चुका है। और अगर हम बात करें डिलीवरी का, तो देखिए ऑलमोस्ट 61 लाख के ऊपर शेयर टोटल ट्रेडिंग हुआ है, जिसके अंदर डिलीवरी उठाया जा चुका है मोर देन 30% के ऊपर शेयर, यानी काफ़ी अच्छा खासा हमें डिलीवरी देखने को मिला। अब देखिए, इतना बड़ा कंपनी का शेयर है, क्या ये 30% डिलीवरी जो रिटेलर्स ले रहा है, बिल्कुल नहीं, जो बड़े प्लेयर से धीरे धीरे करके माल उठा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्च एंड दिसंबर क्वार्टर का, तो DIIS ने लगातार इसके अंदर खरीदारी किया। तो देखिए, प्रमोटर का स्टेक तो पहले से सेम था, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। FIIs ने लगातार बेचा है, क्योंकि हमने देखा था IT सेक्टर के ऊपर बहुत यहाँ पे दबाव था, साथ साथ US मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ विप्रो नहीं, उसके साथ साथ इन्फोसिस, TCS के अंदर भी FIIs ने लगातार सेल किया। ठीक उसके ऑपोजिट में जाके आज की डेट पर आप देख सकते हो, तो मार्च क्वार्टर में DIIs जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार बाई भी किया। देखिए पहले कितना था DIIs के पास, 2.77% का स्टेक, आज की डेट में मार्च क्वार्टर में 3.24% का स्टेक हो चुका है। साथ साथ रिटेलर्स भी दोस्तों यहाँ पे दबा के माल उठाया, पहले देखिए करीबन 14.5% का स्टेक था, आज के डेट पे 15% के ऊपर पहुँच चुका है। तो रेफिनरी दोस्तों, ये सारे अपडेट्स हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और इसके जरिए दोस्तों आपको मालूम चल जाएगा कि विप्रो के आने वाले कुछ दिनों में या एक हफ्ते दो हफ्ते भीतर विप्रो के शेयर के अंदर भारी भरकम तेज़ी हो सकता है। बट हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको अलर्ट करके रखना चाहूँगा, क्योंकि कल हो सकता है कि विप्रो के शेयर के अंदर इमीडिएट कोई इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि कल इंडिया का GDP डेटा रिलीज होने जा रहा है, और इस बार का GDP बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने देखा था इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट 9% के ऊपर बढ़ गया था जब लास्ट टाइम आया था इन्फ्लेशन डेटा का रेट,
और उसके साथ साथ हमने देखा था जिस वजह से आरबीआई को भी बार बार रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ा। इस बार का जीडीपी दोस्तों हर किसी की मतलब आप बोल सकते हो कि नज़र में रहेगा कि वेट करेगा लोग कि इस बार जीडीपी कैसा आया है इंडिया का। तो हो सकता है कि कल मार्केट हाईली वॉलेटाइल भी रहने का चांस है, तो जिस वजह से हमेशा अलर्ट रहना कल की डेट पर। अब देखिए ये आपके सामने ओपन होगा, ये है आपका 50 डेज के ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हो गया आपका 20 डेज के ईएमए। तो दोनों केस में आप देखिए यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और नीचे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हो गया एमएसीडी इंडिकेटर। थोड़ा सा ध्यान से समझना और सुनना, आपको बहुत कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो देखिए ये जो एमएसीडी इंडिकेटर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कोई भी शेयर के लिए। देखिए इसके पहले जब विप्रो के शेयर के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था, देखिए एमएसीडी इंडिकेटर में पहले से ही देख सकते हो यहाँ पे अलर्ट हो गया था कि देखिए यहाँ पे गिरावट होगा, जिस वजह से देखिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ शेयर के अंदर, देखिए लगातार ऐसे ऐसे कैंडल बन रहा था, इवन सारे कैंडल देखिए ग्रीन जरूर था बस लोअर साइड में बन रहा था। अब देखिए जैसे ही शेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें सपोर्ट मिलता हुआ मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है लगभग इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब देखिए ये जो कैंडल है देखिए धीरे धीरे अभी ऊपर की तरफ टावर बन रहा है, देखिए ये जो टावर है मूवमेंट देखिए इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि अभी शेयर के अंदर 200 बूस्ट हो रहा है, अभी शेयर ऊपर जाएगा। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो रेड कलर वाला है आपको देख सकते हो ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लास्ट कुछ समय से हमने देखा था बार बार इसी 20 डेज की ईएमए के देखिए ऊपर जाने की कोशिश किया था, बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया, इवन यहाँ पे भी देखिए एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फेस करके नीचे आया। बट आज की डेट पे जो क्लोजिंग प्राइस था मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ये जो रेड कलर वाला लाइन इसके ऊपर था, यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो आज इसके ऊपर क्लोजिंग था। तो हो सकता है कि कल इसके अंदर लगातार तेज़ी बरकरार रहे। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड सपोर्ट का, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, सबसे पहले आपके सामने ओपन है 3 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि लगातार गिरते गिरते शेयर ऑलमोस्ट पहुंच गया था 450 रुपये के ऊपर, जो कि लगातार मैं उस रेट पे आपको बाइंग का रिकमेंड भी दिया था, क्योंकि देखिए कंपनी ख़राब नहीं है, सिंपल बात है। आज की डेट पे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर के अंदर वैसे ही दबाव चल रहा है, यूएस मार्केट के अंदर लगातार सेल ऑफ चल रहा है जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें मार्जिन इशू में देखने को मिला, क्योंकि जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिस वजह से हमें सीधा बात है आईटी सेक्टर का हर एक कंपनी, चाहे विप्रो देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, या मीडियोकर कंपनी परसिस्टेंट देख लीजिए, या छोटे कंपनी केपीआईटी हैप्पीएस्ट माइंड जैसे कंपनी को भी देख लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ जो 450 रुपये का लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, उसके बाद देखिए शेयर के अंदर अभी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो सिंपल रणनीति बोलूँगा आपके लिए विप्रो के अंदर जो होगा, आपके पास अगर शेयर है नो डाउट यहाँ पे होल्ड कीजिए, सेल करने की गलती मत करना। दूसरी पॉइंट, ये लॉस में सेल करने वाला शेयर नहीं है, आराम से यहाँ पे दोस्तों आप होल्ड कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बाई करना है तो कौन सा लेवल पे आपको बाई करना सेफ रहेगा। तो सबसे पहले देखिए दो लेवल यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, सबसे पहले नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 450 का लेवल। अगर आपको फिर से विप्रो के अंदर गिरावट हुआ, क्योंकि मार्केट का कोई गारंटी नहीं है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, नीचे की तरफ अगर आपको 450 के आसपास मिल गया तो धीरे धीरे करके यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर सकते हो, बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी से और लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा, ऐसा ना हो कि कल हो सकता है कि शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिला फिर से, तो उस केस में इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके पहले भी किया था 500 रुपये का लेवल, तो ये 500 रुपये का लेवल के ऊपर शेयर जब पहुँच जाएगा, ध्यान से सुनना, और उसके बाद जब स्टेबल हो जाएगा शेयर तभी जाके यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। मतलब नीचे की तरफ 450, ऊपर की तरफ 500 के ऊपर जब शेयर स्टेबल हो जाएगा, ये दो लेवल मैं आपको बताऊँ। तो उसके साथ साथ दोस्तों आप देखना है कि कल मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स करता है विप्रो, तो डेफिनेटली न्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया था। तो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।